Hello guys, welcome back to my new video. Now in this video I'm going to show you the top 10 plus open world games for our Yuzu Android emulator, जो कि हमारे emulator में fully support रहेगा और कोई भी problem नहीं आएगा with guys, मैं तुम लोग को device requirements के साथ बताऊंगा guys, तो please यार video को like कर देना और guys तुम ना दो बार भाई वीडियो को देखो गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो भाई सपोर्ट देना यार। तो सबसे पहला गेम आ गया गाइस एल ए नोरी, और ये वाला गाइस जो गेम है ना रॉक स्टार के तरफ से आया हुआ गेम है, तो एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 695 अगर तुम लोग का प्रोसेसर है ना विद 6GB रैम, तो ये वाला गेम हम लोग का इजीली बहुत बढ़िया चल रहा है। और मेक श्योर की जो लेटेस्ट ड्राइवर है वो तुम लोग यूज़ कर रहे हो, और यूज़ एमुलेटर में भी यहाँ पे रनिंग है, और स्काई लाइन एमुलेटर है गाइस वहाँ पे भी ये वाला गेम हम लोग का रन करता है। ओके, उसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट गेम आ गया गाइस, यही वाले गेम का मैं बात कर रहा हूँ, आ गया डाइंग लाइट, जो मैं खुद भी अभी खेल रहा हूँ स्क्रीन शॉट्स के साथ। तो मतलब ये वाले गेम है ना, हम ज़ोंबी बन भी सकते हैं और ज़ोंबी को मार भी सकते हैं, ओपन वर्ल्ड गेम होता है ये, और 14.5GB के अप्रॉक्स का इस वाले गेम का साइज है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो डिवाइस रिक्वायरमेंट है ना एटलीस्ट 778G होना चाहिए गाइस, इतना हाई एंड गेम खेलने के लिए, तो उस अनुसार से भाई गेम बहुत ज़्यादा बढ़िया। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम आ गया ड्रैगन डोगमा, एज यू कैन सी ग्राफिक्स तुम लोग इस वाले गेम का देख सकते हो, 12.6GB के अप्रॉक्स का ये वाला साइज आता है, और 778G प्रोसेसर में हम लोग का बढ़िया चलेगा। और जो नेक्स्ट ओपन वर्ल्ड गेम आ गया गाइस, तुम लोग का फेवरेट ही असैसिन्स क्रीड आ गया, तो इसका दो पार्ट है, अभी लोग ज़्यादा मतलब प्लेबल नहीं है, लेकिन तुम ब्लैक फ्लैग यहाँ पर बढ़िया खेल सकते हो। तो होप जो वीडियो गाइस प्लीज़ लाइक कर देना। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है गाइस, यहाँ पे आ गया बॉर्डरलैंड्स 3, और ये भी ओपन वर्ल्ड गेम है, गेम का साइज 6.68GB के अप्रॉक्स तुम लोग को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन अगर 700 का सीरीज है ना एक्सेप्ट 695 भी, बाकी इस वाले गेम का जो रैम रिक्वायरमेंट है उतना ज़्यादा हाई नहीं है हम लोग का, अगर 6GB रैम भी है फिर भी हम लोग का ये वाला गेम कम्प्लीटली प्लेबल हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट गेम है ना गाइस, ये आ गया हम लोग का मॉन्स्टर हंटर स्टोरी 2, और विद यूजो एंड्रॉयड एमुलेटर लेटेस्ट टर्निप ड्राइवर के साथ, लेटेस्ट यूजो एमुलेटर के साथ तुम लोग ये वाला गेम खेलोगे। और ये वाला गेम में गाइस डायमेंसिटी प्रोसेसर है अगर तुम्हारा, फिर भी ये वाला गेम सपोर्टेड है, लेकिन भाई हाई एंड डायमेंसिटी प्रोसेसर ही प्ले कर सकता है ये वाला गेम फिलहाल के लिए। और स्नैपड्रैगन 778G अगर तुम लोग का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, तो वही प्ले कर सकता है गाइस, ओके, और हायर। इसके बाद जो आ गया हम लोग का नेक्स्ट गेम गाइस, ये वाला गेम आ गया लीगो मार्वल एवेंजर्स। यहाँ पे गाइस और भी गेम है लीगो मार्वल के जो हम लोग के प्लेबल हुए हैं ऑन यूजो एंड्रॉयड एमुलेटर, स्नैपड्रैगन 700 का सीरीज रहता है, 6GB रैम है, तो तुम लोग का ये वाला गेम बढ़िया चलेगा, ओपन वर्ल्ड गेम है हम लोग का। मार्वल एवेंजर 1 हो गया और मार्वल एवेंजर 2 भी हो गया, मैंने गेम प्ले कुछ दिन पहले ही डाला था, देख लेना सर्च मार लेना मेरे चैनल में अगर उसका गेम प्ले चाहिए। तो उसके बाद आ गया गाइस रेड डेड रिडेम्पशन, और ये वाला गेम बस अभी ना एक ही मोबाइल में प्लेबल है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 सीरीज अगर तुम लोग का उसमें ही प्लेबल हुआ है, उसमें भी गाइस सेलेक्टेड डिवाइस में, ये मत समझना कि भाई मेरा तो स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन क्यों नहीं चल रहा, नहीं चलेगा गाइस, ठीक है, ओनली सेलेक्टेड डिवाइस के लिए वाला अभी प्लेबल हुआ है, और वो भी स्लो ही। हाँ ये बात है कि स्लो तो सब में चल जाएगा, लेकिन फास्ट सेलेक्टेड डिवाइस में चलेगा, ओके गाइस। उसके बाद आ गया अपना पोकेमोन लेजेंड्स, ये आ गया गाइस स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का लो एंड डिवाइस है ना, कोई सा भी लो एंड डिवाइस 10,000 से 12,000 से 15,000 तक का कोई भी डिवाइस है, इजीली उसमें 30 FPS आ जाएगा ये वाला गेम, 30 FPS का गेम ही है, और ग्राफिक्स तुम लोग का बहुत ज़्यादा बढ़िया है गेम के अंदर, लेकिन जो ग्राफिक्स रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं है। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट गेम है ये आ गया स्काईरिम 700 का सीरीज है ना यूजो एंड्रॉयड एमुलेटर में, 6GB रैम है, एटलीस्ट ये वाला गेम के लिए गाइस तुम लोग का 6 से 8GB रैम होना चाहिए अगर ये वाला गेम तुम लोग प्ले करना चाहते हो यूजो एंड्रॉयड एमुलेटर में, तो लेटेस्ट टर्निप ड्राइवर बढ़िया रहेगा इस वाले गेम के लिए। इसके बाद हम लोग का लास्ट गेम गाइस आ गया है यहाँ पे बर्नआउट पैराडाइज सिटी, ओपन वर्ल्ड है, और सबसे लो एंड डिवाइस में भी हम लोग का चल जाएगा, 4Gen 1 भी है ना तुम लोग का ये वाला डिवाइस में गेम इजीली तुम लोग खेल सकते हो। होप जो वीडियो गाइस तुम लोग को पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और एक गेम गाइस मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, वो वाले गेम का नाम था GTA San Andreas Trilogy Edition, मतलब वहाँ से हम लोग Vice City और San Andreas भी खेल सकते हैं, लेकिन अभी वो उतना ज़्यादा मतलब प्लेबल नहीं है जितना सब ये गेम है। ओके गाइस प्लीज़ लाइक करके चैनल को कर देना सब्सक्राइब।